ये पूरा पूरे सड़क पे पानी भरा हुआ है। आप देख रहे हैं कार आ रही है और वहीं से मोटरसाइकिल निकल के आई है, और जब ये पानी क्रॉस करके जाते हैं तो वो कंपनी गार्डन है जहाँ सैकड़ों लोग शहर के सैकड़ों लोग घूमने आते हैं। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं एक ये है, इनकी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है। अब ये बताएंगे कि पानी में कैसे निकल के आए, आप बताएंगे कैसे निकल के आए पानी। पैदल निकल के आए, पैदल निकल के। गाड़ी बंद हो गया, गाड़ी बंद हो गई। इसमें बच्चे गिर भी रहे होंगे, लोग गिर भी रहे होंगे पानी के अंदर। ये कितने दिनों से है? ये 2 दिन से हुआ है। अच्छा, 2 दिन से। इससे पहले भी सालों में कभी होता था? अभी बहुत तेज बहाव। यहीं रहते हैं आप? हाँ। क्या नाम है? तो क्या ये पहली बार हुआ है सड़क पर पानी? हर बार होता है, हर बार होता है। कोई राहत बचाव कार्य यहाँ प्रशासन ने किया है कि नहीं किया है पानी निकालने के लिए, आने जाने के लिए? कोई नहीं। क्या नाम है? मधु। आप देख रहे हैं ये मोटरसाइकिल जा रही है यहाँ से गुफ्तार घाट के लिए जा रही है, और लोगों को बहुत हिम्मत जुटा के यहाँ से पानी जा रहे हैं। कोई लोग गिर रहे हैं, कुछ लोग पड़ रहे हैं। यहाँ के लोगों का आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया है। ये बंद हो गई पूरा सरयू का क्षेत्र है, सरयू का किनारा है ये, और इसी में से छोटे बड़े सभी लोग जा रहे हैं पानी में। ये मोटरसाइकिल भी अभी निकल के आई है। अब ये देख रहे हैं कि ये बाढ़ की स्थिति ये है कि सड़क पर नाव चल रही है। ये आप देख रहे हैं दूर के नज़ारा, और ये सड़क नाव आ गई है, वो किनारे लगी हुई है, और मोटरसाइकिल से लोग आ रहे हैं। ये मीरन घाट का इलाका है, जो गुफ्तार घाट जहाँ भगवान राम गुप्त हुए थे, और गुफ्तार घाट की सभी सीढ़ियाँ इस समय पानी में गुप्त हो गई हैं पूरी।